बिहार में इतनी तेजी से खेला हो गया, किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। अमित शाह ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। आज कोई भी मीडिया न्यूज चैनल आपको यह नहीं बतलाएगा कि यह कहीं ना कहीं अमित शाह की हार है, क्योंकि अमित शाह ने पहले सुशील मोदी को हटाया जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे और उनके लिए हालात लगातार बद से बदतर किए। नीतीश कुमार के सामने महाराष्ट्र का पूरा तजुर्बा था और वो जानते थे कि कुछ ही दिनों बाद जनता दल यूनाइटेड के विधायकों पर ईडी के जरिए निशाना साधा जाएगा, और यही तो नीतीश कुमार ने किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का खेल समझा और उनके पैरों तले जमीन खिसका दी एक तरह से। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये तस्वीरें देखिए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, और दोनों राजभवन का मार्च करते हुए। ये एक नए राजनीतिक समीकरण को दर्शा रही है। इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, ये हम बाद में चर्चा करेंगे, मगर ये वो नजारा है जब दोनों राजभवन का रुख कर रहे थे। अब आप ये वीडियो देखिए, पूरे स्क्रीन पर देखिए, ये वीडियो है जब नीतीश कुमार राजभवन के बाहर निकले। जी हाँ, और राजभवन के जब वो बाहर निकले दोस्तों, बाहर निकलने के बाद उन्होंने दो टूक पत्रकारों से कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। क्या कहा नीतीश कुमार ने, आइए सुनते हैं। हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए, सही एनडीए छोड़ने का निर्णय सपने की है। तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि उस वक्त नीतीश कुमार ने यह नहीं बतलाया कि आखिर क्यों उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, मगर नीतीश कुमार लगातार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की जड़ें काट रही थी। लगातार पार्टी के नेता उन्हें टारगेट कर रहे थे। आरसीपी सिंह को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जाने वाली थी और जो तजुर्बा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ किया गया, उनके साथ भी किया जाने वाला था। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज के इस घटनाक्रम को लेकर तेजस्वी यादव यानी आरजेडी खेमे में जबरदस्त जश्न है, और मैं आप चाहूंगा तेजस्वी यादव के घर के बाहर किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है उसका आप ये वीडियो देखिए। और राज्यपाल से मिलने के बाद, जिसमें न सिर्फ नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया बल्कि 160 विधायकों की लिस्ट उन्हें सौंपी कि मुझे इन 160 विधायकों की फहरिस्त है, मेरे पास समर्थन है, और उन्होंने नए सिरे से सरकार बनाने का प्रस्ताव किया। इस बैठक के बाद उन्होंने मुलाकात की लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से, यानी कि तेजस्वी यादव की माताश्री से, और एक तरह से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति हो गए। अगर मैं गलत नहीं हूं दोस्तों, तो ये या तो उनका 7वां या 8वां बार है, क्योंकि मैं कार्यक्रम त्वरित आपके सामने ला रहा हूं इसलिए मेरे पास उसको लेकर रिसर्च करने का वक्त नहीं रह गया, मगर मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी इस मुद्दे को रिसर्च करें। नीतीश कुमार ये शायद 8वीं बार पद और गोपनीयता की शपथ बतौर मुख्यमंत्री ले रहे हैं। तो क्या होने वाला है दोस्तों इसके बाद? दो तीन चीजें साफ तौर पर होने वाली है दोस्तों। सबसे पहली बात, ईडी अब यहां पर सक्रिय हो जाने वाली है, ना सिर्फ ईडी बल्कि इनकम टैक्स भी, सीबीआई भी, क्योंकि अब तक बिहार में कोई दिक्कत नहीं थी, मगर अब भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह इसे कहीं ना कहीं अपनी अस्मिता पर हमले के तौर पर देखेंगे, अपनी बेइज्जती के तौर पर देखेंगे, इसलिए अब ईडी पूरे जोर के साथ, सीबीआई पूरे जोर के साथ, इनकम टैक्स पूरे नफरत के साथ कूद पड़ेगी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के ऊपर। हालांकि आप जानते हैं कि अब तक बिहार में कोई दिक्कत नहीं थी, बिहार में कई अपराध होते रहे। आपको याद है कि एक बाल गृह को लेकर एक विवाद हुआ था जहां छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था,
उस वक्त बिहार को लेकर किसी ने यह नहीं कहा कि वहां जंगल राज है। उस वक्त नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी थी, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं अब आप बिहार के बारे में आने वाले दिनों में जंगल राज शब्द सुनने लगेंगे, क्योंकि जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है वहां जंगल राज कैसे हो सकता है। जंगल राज तो वहीं होगा जहां पर विपक्ष जो है वो सत्ता में होती है। और विपक्ष से दोस्तों याद आया, यकीनन तेजस्वी यादव के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि तेजस्वी यादव कुछ दिनों से लगातार लोकप्रियता के पायदान में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अब खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि या तो वो डिप्टी सीएम होंगे या होम मिनिस्टर होंगे, यानी कि उनकी ताकत बढ़ेगी। और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी एक तरह से मीडिया ने सुपारी लेनी शुरू कर दी है। मसलन आपके स्क्रीन पर आज तक की खबर देखिए, अब वो कह रहे हैं कि क्या अपनी पहली कैबिनेट बैठक में तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरियों का ऐलान करेंगे, जबकि आप बखूबी जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने चुनावों से पहले जब यह ऐलान किया था तो वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे थे, ये वादा उस गठबंधन को लेकर था। मगर यकीनन दोस्तों ये जो बातें हैं जो अमूमन भाजपा के प्रवक्ता कहेंगे वो एक न्यूज चैनल कह रहा है। अब इस तरह से वादा खिलाफी को लेकर भारतीय जनता पार्टी से कभी सवाल नहीं किया जाता है, मगर तेजस्वी यादव से जरूर पूछा जाएगा। अंबानी का ये न्यूज चैनल देखिए आपके स्क्रीन पर दोस्तों, अंबानी का ये न्यूज चैनल की जो रिपोर्टर हैं वो दो बातें कह रही थी। पहली बात उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत से कम नहीं है, इससे भारतीय जनता पार्टी एक खुले सांड की तरह हो जाएगी, नीतीश कुमार को नानी याद आ जाएगी जब विपक्ष के अंदर बैठ के बीजेपी उनकी ऐसी तैसी कर देगी, ये रिपोर्टर कह रही थी उसमें। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की कभी हार नहीं हो सकती, चाहे वो सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर जाए उनकी हमेशा जीत होगी। और फिर वो रिपोर्टर ये भी कह रही थी कि अब देखने वाली बात होगी कि ये कितने दिनों तक सरकार चलेगी, ये तमाम चीजें। अरे भाई, लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी सरकार 20 महीने चली, भारतीय जनता पार्टी के साथ 22 महीने चली, और लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए कोई बहुत निजी तौर पर मुश्किलें पैदा नहीं की थी। नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्हें छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी तो उनकी जड़ें काट रही थी। दोस्तों सब तमाम न्यूज चैनल्स का फोकस इस तरह से है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो गठबंधन का फर्ज निभाया मगर नीतीश कुमार पलटू राम साबित हुए, जी हां, इस तरह के जुमले उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, आज की तारीख में कम से कम राजनीति में राजनीतिक शुचिता का दावा बीजेपी तो बिल्कुल नहीं कर सकती। बिहार के अंदर कम से कम रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नहीं हुई, अवसरवादिता है, दो राय नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं। और मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि 2015 में जब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ सरकार बनाई थी तब मैंडेट था लालू और नीतीश को लेकर, फिर 20 महीने बाद खेला हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली, तब आपके लिए तो मैंडेट नहीं था ना। अब यकीनन जो मैंडेट मिला था बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए था, और नीतीश कुमार ने राजनीतिक खेल करते हुए अब सरकार किसके साथ बनाई है, तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के साथ। तो एक तरह से कहा जा सकता है इस हमाम में, इस राजनीतिक हमाम में सब नंगे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे आरजेडी के नेता हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड के नेता हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण इस देश की राजनीति हो गई है और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर जब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक शुचिता की बात करती है तो जो मुझे बहुत हंसी आती है, पहली बात ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो बेलाग बेरोक टोक एजेंसीज का इस्तेमाल करती है सरकार गिराने के लिए। ये राजनीतिक शुचिता कहां गई थी जब मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार के नीचे आपने जमीन खींच ली थी, जब आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया की असुरक्षा का फायदा उठाते हुए वहां पर खेला कर दिया था, और देश कोरोना की पहली लहर में जा रहा था मगर लॉकडाउन की घोषणा नहीं की जा रही थी। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार को जो गिराना था। तो ये तमाम चीजें जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, भारतीय जनता पार्टी जो है साफ सुथरी होने का दावा नहीं कर सकता। और महाराष्ट्र में क्या हुआ था बताइए ना, जो करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हुआ, एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को पहले गुजरात लाया गया, गुजरात से फिर चार्टर्ड प्लेन्स के जरिए उनको लाया गया असम,
फाइव स्टार होटल्स में वो लगातार रह रहे थे। ये तमाम ड्रामा कम से कम बिहार में नहीं हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो तमाम पैसा खर्च हुआ था महाराष्ट्र के दौरान, वो पैसा कहां से आया? और सबसे बड़ी सवाल, सबसे बड़ा सवाल, प्रवर्तन निदेशालय ने एकनाथ शिंदे के साथ जो कई नेता थे उनके खिलाफ केसेस किए हुए थे, वो तमाम केसेस अब गायब क्यों हो गए? कम से कम 6 ऐसे नेता थे दोस्तों। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं जो अपने आप में महाराष्ट्र के संदर्भ में बहुत शर्मनाक है। महाराष्ट्र में एक पूजा चव्हाण आत्महत्या केस था और संजय राठौर जो हैं महाराष्ट्र के मंत्री हुआ करते थे उद्धव ठाकरे के समय। पूजा चव्हाण आत्महत्या केस में संजय राठौर का नाम आया था और 20 दिन के अंदर उन्हें उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिलवा दिया था। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस हो, किरीट सुमैया हो, तमाम लोगों ने बवाल किया था। क्या आप जानते हैं पूजा चव्हाण आत्महत्या केस में जिस आदमी का नाम है यानी संजय राठौर, उन्हें देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार में आज मंत्री पद की शपथ दिला दी गई? तो आपको हक है राजनीतिक शुचिता का बात करने का। आपके स्क्रीन पर एक साल पहले किरीट सुमैया बोल रहे थे कि देखिए संजय राठौर को पद से इस्तीफा देना चाहिए, यह आदमी पूजा चव्हाण नाम की एक लड़की की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है। मैं आपसे सीधा और सरल सवाल पूछना चाहता हूं, फिर संजय राठौर को आपने जगह क्यों दी महाराष्ट्र सरकार में? और ये मैं आपके सामने मामला इसलिए रख रहा हूं कि नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है राजनीति में, कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो साफ सुथरी राजनीति की बात करती है उसे तो नैतिकता की बात करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। हकीकत यह है कि हमारी राजनीति निचले स्तर की राजनीति है, चाहे वो राजनीति नीतीश कुमार खेलें, चाहे वो राजनीति अमित शाह खेलें, चाहे वो राजनीति देवेंद्र फडणवीस खेलें, चाहे वो राजनीति हेमंत बिस्व शर्मा खेलें, सब न्यायत ही घटिया स्तर की राजनीति खेलते हैं। मगर मुझे आपत्ति दोहरे मापदंड पर है जब कटघरे में सिर्फ गैर भाजपाई नेता रखे जाते हैं, वो भी इस पालतू और बिकी हुई मीडिया द्वारा। इस मंच पर हम सबसे सवाल खड़े करते हैं और पीछे नहीं हटते हैं दोस्तों। बहरहाल बिहार में राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई है दोस्तों। आने वाले दिनों में हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी और मैंने आपको इसी मंच पर कल ही बताया था कि उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और अब वही हुआ। आगे भी बहुत कुछ होने वाला है, पल पल की जानकारी इस मंच पर मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।